गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में वेलकम है। आज हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में हम लोग ने रियल नंबर्स के बारे में जो जितने भी टॉपिक्स थे उसको एक बार पढ़ तो चुका ही है। अभी हम लोग उसके बारे में रिविजन कर रहे थे। तो बिफोर प्रोसीडिंग आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका अगर आपके पास बुक आपने ओपन कर रखी हो तो उसमें पेज नंबर 10 पे एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, ठीक है ना। पेज नंबर 10 पे एग्जाम्पल नंबर 6, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था। लेकिन मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस हो, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को कुछ ट्विस्ट से मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 की जगह मान लीजिए आपको कोई वेरिएबल दे दिया इस टाइप से, ये इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो आप में से कितने लोग निकाल सकते हैं, यस और नो में तुरंत रिप्लाई दीजिए। कोई बता सकता है क्या, सोच के बताइए तुरंत। एनीवन? इसमें एक चीज और दिया है, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम। आपको आवाज आ रही है? जिन्हें जिन्हें मेरी मेरी आवाज आ रही है और जिन्होंने अभी रिप्लाई दिया, मैं कान खोल के मेरी बात सुने। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि आपको ये सॉल्व करने आ रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं आ रहा है तो ना बोलिए, क्योंकि आप कुछ जवाब नहीं देंगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं आ रहा तो बोल दीजिए कि सर मेरे को आइडिया नहीं है इस बारे में, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए इसको एक बार, ठीक है ना। अगर आप बोल दोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, और आप लोग फ्री में नहीं पढ़ रहे, आप लोग ने फीस भरी है ना, तो ध्यान रखिए इस सर बात नहीं का। आ रहा। हाँ बस ऐसे बोलो, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई कर्जा थोड़ी खाए हैं और किसी का। क्या हाँ ध्यान से देखो, अब एलसीएम एचसीएफ आपको पूछ रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एक्स एंड वाई प्राइम नंबर है। अगर आप पेज नंबर 10 पर एग्जांपल नंबर 6 देखोगे, उसमें यहाँ पर 6 दो अलग अलग नंबर दिए हैं, वो है आपके 6 एंड 20, ये दिया है। आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते थे देखो, उसी से हम लोग इसको करेंगे। तो पहले 6 और 20 के लिए करते हैं। 6 और 20 के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे। इसका होता 2 इंटू 3 एंड 20 का हो जाएगा 2 इंटू 5। ये अब एक बात बताइए, जब एचसीएफ निकालते थे ना तो हम लोग जो कॉमन नंबर है दोनों में उसका लोवेस्ट डिग्री देखते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, इन दोनों में जो भी नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा कॉमन आ रहा है, 2, उसका लोवेस्ट डिग्री। लोवेस्ट डिग्री क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 के पावर क्या है, 2, और यहाँ पर 2 के पावर क्या है, 1। तो इनमें से छोटा वाला कौन है, ये, तो ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, जो भी पॉसिबल नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो तीनों लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, और तीनों का हाइएस्ट पावर लिखिए। 2 का हाइएस्ट पावर क्या है, 2, 3 का हाइएस्ट पावर 1, 5 का हाइएस्ट पावर 1, तो ये हो गया। तो कोई ऐसा जिसे ना आया हो ये चीज, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, सर आ गया समझ में? नहीं आया कोई ऐसा अभी सर नहीं आपके आया, अलावा, सर नहीं आया। ठीक है फिर से देख लो। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने नहीं आया, ये समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सर यही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा ये देखो, पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 6 खोल लो पहले। तुम लोग खोल लिया क्या बुक में,
सबके पास है बुक? यस सर। हाँ, तो पेज नंबर 10 पर एग्जांपल नंबर 6 खोलिए, उसमें लिखा है, जो ब्लैक कलर के बोल्ड लाइन से लिखा होगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लिखा है कि HCF क्या होता है। HCF इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। HCF है होता है दोनों, जो दोनों नंबर दिए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर दोनों में कॉमन है उसको लिख दो, और जो कॉमन नंबर है उसका जो लोवेस्ट पावर है उसको लिख दो। यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन इसमें एक बार आ रहा है, इसमें दो बार आ रहा है, तो जिसमें एक बार आ रहा है ना उसको लिख दो बस। तो ये हो गया HCF। LCM के लिए हर पॉसिबल नंबर जो दोनों में आ रहा है उसको लिखो पहले, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो एक बार 2 लिख दो। इसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन एक बार लिखना है। 5 एक बार। अब तीनों का हाईएस्ट पावर लिखना है, इसमें 2 का पावर 1 और इसमें कितना है 2 के पावर 2, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 ले लेंगे, यहाँ 3 के पावर 1 है और यहाँ 5 के पावर 1 है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका LCM, अभी भी नहीं आया, आया कि नहीं, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। सर आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। हमारे पास जो दोनों नंबर दिए हैं वो कौन कौन से हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और दूसरा कौन सा नंबर दिया है, एक्स के पावर 4 एंड वाई। अब यहाँ पर ये बोला है एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर्स, यानी कि ये प्राइम नंबर है, ये क्या इस तरह है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू y, और ये क्या है x into x into x into x into y, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में हम लोग को इसका HCF निकालना है, अब कोई बता सकता है इसका HCF क्या आएगा? हमें दोनों में ऐसा देखो x और y से ये भी बना है, x और y से ये भी बना है, तो हमें ऐसे x और y लिखने हैं जो कि x into y करें, और जो डिग्री है वो लोएस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 3, और यहाँ पर 4, तो हम लोग को छोटा वाला लेना है, क्या हो जाएगा x क्यूब क्यूब। अब यहाँ y का कितना है डिग्री, 2, और यहाँ पर 1, तो इसमें से कौन सा छोटा है, ये वाला, तो y, ये आ गया इसका LCM। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। LCM नो सर। फिर भी किसी को डाउट हो, एक बच्चे को भी डाउट हो तो बोलेगा तुरंत, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई लिख लीजिए। अब हाईएस्ट डिग्री लेंगे, यहाँ तो लोवेस्ट लिख रहे थे, यहाँ हाईएस्ट लेंगे। इसमें 3 बार आ रहा है, इसमें 4 बार आ रहा है, तो 4 बार, और इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार, तो 2 बार पड़ा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुरंत करके ट्राई करके बताइए आंसर क्या आएगा। ओके सर। हाँ रेडी रहिएगा, HCF LCM ही बताना है। इसमें यहाँ पर कर लीजिए P पावर 4, Q के पावर 6 एंड P के पावर 5, Q के पावर, इसका HCF LCM बता दीजिए फट से। HCF में तो आएगा P की पावर 4, Q की पावर 4। अच्छा, और LCM में? और LCM में आएगा P की पावर 5, Q की पावर 6। कितने लोग इससे सेटिस्फाइड हैं, किसी को डाउट? नो सर। Anyone else? Girls? No sir. ठीक है, तो यही है आंसर इसका, है ना। मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, बताइएगा। इसमें R भी लिख दिया, मान लीजिए R भी, और P Q R सारे के सारे प्राइम है, ये मान के चलिएगा, है ना। यहाँ लिखा नहीं है मैंने प्राइम, देखिए प्राइम होना जरूरी है, प्राइम होना बहुत जरूरी है, प्राइम नहीं होगा तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे HCF LCM वाला। P Q R R प्राइम, अब बताइए क्या होगा, किसमें क्या क्या चेंजेस होगा। HCF यही रहेगा क्या? यस सर। हाँ, और LCM? LCM आर एड हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बस यही है, सिंपल सा है, कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है ना।
तो इस टाइप की क्वेश्चन हैं ये, अच्छे अच्छे इस टाइप से क्वेश्चन आपके बड़ी बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं, जब आप 12th के बाद कई सारे एग्जाम देंगे उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। सर पेपर में आ सकते हैं ऐसे? पेपर में यहाँ नहीं, कहीं भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ये मत पूछो कि पेपर में आएंगे कि नहीं, पेपर में हो सके नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आप में से एक जन ने कल थ्योरम नंबर 1.3 पूछा था, अगर किसी को डाउट है उसमें तो बोलिए तुरंत। यस सर। ठीक है, डाउट है क्या? यस सर। चलो देखो, थ्योरम नंबर 1.3 एक बार देख लो क्या है। इसका सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसका अगर प्रूफ चाहिए तो मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको देखिए, ठीक है ना। मैं बस इसका स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, बहुत सिंपल सा था, एक कल भी बताया था। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, नाम से ही देखने में ही क्लियर हो रहा है। मान लीजिए p अगर आपका, हाँ एक चीज और है, ये जो प्री p है आपका, यहाँ पर एक प्राइम नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर। p जो है वो है आपका प्राइम नंबर है कोई, और a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। a जो है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई भी एक प्राइम नंबर है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं 144 ले, जैसे कल बताया था, और बढ़िया एग्जांपल कोई जैसे 525, हाँ ये देख सकते हैं। जैसे 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये डिवाइड करता है 25 को, करता है कि नहीं? यस सर, करता है। तो क्या 5 जो है, ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है कि नहीं? है ना। yes, तो यानी कि 5 जो है 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो क्या ये जो p है इस a को भी डिवाइड करेगा? क्या ये 5 इस 5 को भी डिवाइड करेगा? yes, of course करेगा, ठीक है ना। तो यही चीज बोल रहा है, एक एग्जांपल और देख सकते हैं। ये शर्त ये जरूरी है कि ये जो p है प्राइम नंबर होना चाहिए, ये p प्राइम नंबर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। एक और देख लीजिए, जैसे कि आप 9 का ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर ले सकते हैं, 49, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 9 का स्क्वायर 81, है ना। 81 जो है 3 से डिवाइड होता है, और 81 जो है 9 का स्क्वायर है ऑलरेडी, तो क्या ये जो 3 है इस 9 को भी डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, ठीक है ना। यस सर, इसको बोल रहा है यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है। इस थ्योरम को पढ़ने का इम्पोर्टेंस ये है कि जो क्लास 9th में आप लोग ने एक गलती कर दी थी, गलती नहीं बोलेंगे उसको, मतलब आप लोग ने कुछ काम अधूरा छोड़ा था क्लास 9th में, वो ये जी, जब आप क्लास 9th में पढ़े तो उसमें आप लोग ने डायरेक्टली ये जान लिया था कि ये जो नंबर होते हैं ना, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सारे के सारे इरेशनल होते हैं। आप लोगों को आपके टीचर ने बोला ये इरेशनल है और आप लोग ने मान लिया था, किया था कि नहीं ये काम? यस सर। हाँ, आप लोगों ने ये गलती किया। ये गलत इसलिए है कि आप लोगों को बोलना चाहिए था, सर ऐसे कैसे मान लिए ये इरेशनल है, इसको प्रूफ करिए इरेशनल है, हम नहीं मानते ये इरेशनल है। तो वही चीज है, आप लोग को प्रूफ मांगना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं मांगा। तो ये इरेशनल है, इसका प्रूफ आप लोग इस साल पढ़ते हैं, तो आपका टीचर क्लास 9th में आपको ये बोलेगा, जब क्लास 10th में जाओगे तब मैं बताऊंगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस क्लास में आप लोग ने अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सबको इरेशनल प्रूफ करना सीखा, ठीक है ना। तो जब इन सबको इरेशनल प्रूफ करते थे तब इस थ्योरम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है ना, इस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता था इसको प्रूफ करने के लिए। तो ये जो चीज है इसे प्रूफ करना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 100% और 1000% एग्जाम में भी आएगा बोर्ड के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कोई नंबर दे दिया होगा, जैसे 3 प्लस अंडर रूट 2 या 7 अंडर रूट 5, है ना, या फिर डायरेक्टली बोल देगा अंडर रूट 5, या बोल देगा अंडर रूट 7,
कहेगा इनमें से कोई किसी एक इनमें इनको इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है ना? तो आप लोग को प्रूफ करके बताऊं या आप लोग कर सकते हो? कर सकते हैं सर। करके बताओ, एक तो करके बताएं। तो मैंने यहाँ चार ऑप्शन लिखा है, इनमें से कौन सा दिखाऊं करके? सर 7√5। सर कोई भी, ठीक है। देखो कोई भी बोलोगे तो मैं तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा, चूज कर लिया करो। सर 7√5। ठीक है, चलो 7√5। एक चीज और बता दूं इसको करने से पहले, जो इस टाइप के नंबर हैं, जैसे कि ये वाले नंबर, जैसे √2, √2, √3, √5 एंड √7, और कौन हो गया √10, और कुछ बचा 2, 3, 5, √6, 7, 8, 9, 10, हाँ, इन इन पांच न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सातों नंबर को देखिए। इन सात नंबर, ये जो सातों नंबर है ना, इन सब का प्रूफ अलग टाइप का है। इनमें भी ये जो 2, 3, 5, 7 है, इनका प्रूफ अलग टाइप का है और इनका अलग टाइप का है। इनका ये जो √10 है, √6 है, √8 है, वो इसी की तरह प्रूफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो √10 है ना, √10 है, इसको आप √2 × 5 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसको? नहीं ना, क्या लिखते हैं? √2 × √3। √8 को क्या लिखते हैं? 3। √2 ये लिखते हैं। तो ये जो 2√2 है, यानी कि a√b, इस टाइप का जो सवाल होता है, जो ये रहा और ये रहा, इसका प्रूफ मैं अभी कराने जा रहा हूं। ये इन चारों का प्रूफ आप के लिए आप एग्जांपल नंबर 3 देख सकते हैं, सॉरी 9, एग्जांपल नंबर 9 देख सकते हैं और थ्योरम नंबर 1.4, ये दो चीज देख सकते हैं, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है अभी तक किसी को? सर, चारों के लिए आप एग्जांपल नंबर 9 एंड थ्योरम नंबर 1.4 देखेंगे, और इस टाइप के सवाल के लिए, ये वाला हुआ या ये वाला है, इसके लिए अभी मैं प्रूफ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना? और इसके लिए भी एक हो सका तो प्रूफ अभी देखूंगा, मन किया तो बता दूंगा। तो देखिए इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ। तो ये 9 और थ्योरम 1.4 जरूर देखिएगा। ओके सर। हाँ, और घबराइएगा मत, हो सकता है आपके बुक में जो लिखा है उनमें से कोई सवाल ना आए बोर्ड में, अपने से बना के दे दे, लेकिन बुक में जो चीजें दी हैं उसी के पैरेलल रहेंगे वो चीजें, ठीक है ना? उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बाहर का नहीं पूछेगा, बस ये देखेगा बोर्ड वाला कि आप सही में खुद से पढ़ रहे हो का कि किसी से कॉपी करके पढ़ रहे हो। तो देखिए 7√5, इसको प्रूफ करना है, प्रूव इट इरेशनल। प्रूव इट इरेशनल, ठीक है ना? तो देखिए प्रूफ, प्रूफ में क्या करेंगे, 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले हम लोग इसको काउंटर पॉजिटिव मेथड से करेंगे, है ना? काउंटर पॉजिटिव मेथड में हम लोग ये कंसिडर करेंगे, लेट 7√5 इज क्या है, रैशनल है ना कि इरेशनल। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होगा, सो 7√5 is equal to p/q pair p and q are co-primes, integers, और अगर आप चाहो तो इसे यहीं पे co-prime मान लो, और अगर इसे co-prime यहाँ नहीं मान रहे हो तो ये आप ये कर सकते हो कि इसको एक highest common factor से divide कर सकते हो, है ना? जैसे मैं इसे यहाँ co-prime नहीं मान रहा हूँ, where p and q are integers, let if there exist any common factor of p and q, then divide
डिवाइड बोथ ऑफ देम. अगर कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो उससे उसको डिवाइड मार दीजिए. डिवाइड बोथ ऑफ देम, यहां बोथ ऑफ देम कौन है, पी और क्यू. वी हैव, हमें क्या मिलेगा, वी हैव 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी, वेयर, अब ये को प्राइम हो गया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम. किसी को प्रॉब्लम है को प्राइम क्या होता है? नो सर. कोई एक आवाज है? सर आई हैव प्रॉब्लम. हैं? आई हैव प्रॉब्लम. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन यू मस्ट आस्क बिफोर आई राइट. ओके, को प्राइम नंबर वो होते हैं, देखिएगा को प्राइम क्या होता है समझने की कोशिश करिए. को प्राइम हमेशा दो नंबर का पेयर होता है, ठीक है ना. कोई प्राइम नंबर कोई अकेला नंबर नहीं होता है, कोई दो नंबर होंगे. अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन आता है तो वो नंबर आपस में को प्राइम होंगे. जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, 5 और 7, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1. और कुछ होगा? नहीं समझ में आया अभी भी? हाँ, तो 5 और 7 आपस में को प्राइम है, ठीक है ना. इसी तरह देख लीजिए, ये देख लीजिए 9 और 11, ये भी को प्राइम है, ठीक है ना. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो यही है एग्जांपल इसका. चलिए, ओके सर. तो यानी कि अब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है डिवाइड करने वाला, ठीक है ना. तो अब आगे बढ़ते हैं. यहां तक ये तो हो जाता है कि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं. अब अगर ये इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो देखिए, अब इसको, अब इस वाले रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ये इंप्लाइज का सिंबल है, इक्वल का नहीं. इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b. लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर. फ्रॉम अबव ऐसे कर लीजिए, फ्रॉम अबव. अब देखिए इसका आगे का सोल्यूशन यहां लिख रहा हूं मैं. अब एक बात बताइए, ये a और b क्या है? को प्राइम्स. को प्राइम, हाँ, मतलब आपस में को प्राइम है, लेकिन है तो इंटीजर ना. थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिए, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड को प्राइम. अब ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर है. ए और बी क्या है, इंटीजर है और को प्राइम भी है. तो अगर ए और बी इंटीजर है, किसी इंटीजर में इंटीजर को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? इंटीजर. इंटीजर, कोई भी इंटीजर उठाइए और एक और इंटीजर उठाइए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए वापस इंटीजर आ जाएगा. यानी कि बी एक इंटीजर है, मैंने बोला, और 7 भी एक इंटीजर है, तो 7 में अगर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में अगर बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर, ठीक है ना. इसी तरह ए भी इंटीजर है, ठीक है ना. सेंस ए अपॉन 7 बी इन ए अपॉन 7 बी, ए एंड 7 बी आर इंटीजर. कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. इंटीजर्स देन ए अपॉन 7 बी इज अ रैशनल नंबर. कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर. अब देखिए, अगर ये रैशनल नंबर है, विच इंप्लाइज दैट अंडर रूट 5 अपॉन ए अपॉन 7 बी क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर. आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा रोक के. अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट 5 भी क्या है, रैशनल नंबर. लेकिन अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है क्या, ये बताओ फट से. नो सर. हाँ, यही लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन दैट अंडर रूट 5 इज rational, because
because under root 5 is actually a rational number. Irrational number. ठीक है ना? अब ये contradiction हुआ क्यों? This contradiction occur because of our wrong assumption. हम लोग ने एक गलत assumption किया था. Which this contradiction occur due to wrong assumption. हम लोग ने एक wrong assumption लिया. कौन सा wrong assumption? Wrong assumption जो सबसे पहली line थी solution की. Assumption of 7 under root 5 is rational number. So 7 under root 5 is actually a irrational number. हो गया कोई problem? No sir. ठीक. सिंपल सा है, बस आपको करना है, एक दो बार ट्राई करेंगे आ जाएगा. हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन बताओ एक बार. क्या चीज? कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? यस सर. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, ठीक है ना? नहीं सर, सिंपल लैंग्वेज में बताओ. हाँ, सिंपल ही बता रहे हैं. वेट, एक्चुअल में कॉन्ट्रडिक्शन होता है जो हम लोग ने कॉन्ट्रडिक्ट मतलब ये समझ लीजिए जैसे काउंटर करना, किसी भी चीज के अपोजिट जाना, ठीक है ना? तो कॉन्ट्राडिक्ट होना मतलब कोई चीज अपने आप को ही कट करे, यानी कि विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट अंडर रूट. हम लोग ने ये जो कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन मतलब जो एज्यूम किया था उसी का अपोजिट आ गया, है ना? जो हम लोग ने माना वो गलत हो गया. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो चीज एज्यूम किया वो गलत हो जाना, ठीक है ना? इसी बारे में यही है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट देखिएगा. तो इस टाइप के कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग लगाएंगे, ट्राई करिएगा. रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो थ्योरम नंबर 1.5, 1.6, 1.7 है, इन तीनों का मतलब आपको आना चाहिए. इसी पे एक्सरसाइज 1.4 पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है ना? इन्हीं तीनों से ये पूरी एक्सरसाइज 1.4 हुई है, ठीक है ना? तो ये तीनों थ्योरम आनी चाहिए. इसमें से इन तीनों थ्योरम में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए तुरंत. सर, हाँ, थ्योरम नंबर 1.6. अच्छा, और किसी को कोई? बुक्स ओपन रखिए. देखिएगा, लेट एक्स, एक जस्ट अ सेकेंड, लेट एक्स बी रैशनल नंबर, जस्ट मैं एक्सपेंशन कर देता. ठीक है, थ्योरम नंबर 1.5 कितने लोगों को आती है? ये देखिए,
आवाज आ रही है मेरी? सर, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ सर, वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज है? यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन है? नहीं सर। सर आ रहे नहीं है वीडियो। अब आ रहा है? यस सर। डिस्प्ले आ रहा है ना? कोई ऐसा जिसे ना दिख रहा हो? सर वीडियो पॉज हो गया। यहाँ पर रिकॉर्डिंग yes, बता रहा है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ इट माइट बी नेटवर्क प्रॉब्लम। जस्ट कुछ मिनट के लिए वेट करिए, फिर से ऐसा होता है तो बताइए ना। दो मिनट वेट करके देखिए, वापस अपने आप अगर प्ले हो जाते तो जरूर इन्फॉर्म करिएगा। हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, ये इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है कंप्यूटर में भी। इंटरनेट का इशू है। द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अच्छा आपको दिख तो रहा है ना? यस सर। यस सर। मैंने थ्योरम नंबर 1.5 एंड 1.6 एक ही साथ एक ही जगह लिखी है। ये देखिए थ्योरम नंबर 1.5 और 1.6 एक दूसरे का अपोजिट है, जिसको बोलते हैं वाइस वर्सा। ठीक है ना? देखिए जो थ्योरम नंबर 1.5 है उसमें ये कहता है कि अगर हमारा जो p बाई क्यू का फॉर्म है उसमें p और q को प्राइम है और इनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा तो q किस टाइप का होगा? 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के टाइप का होगा। समझ गए? ये है थ्योरम नंबर 1.5। लेकिन 1.6 में क्या है? अगर हमारा p और q को प्राइम होगा और q इस टाइप का होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। ये दोनों एक साथ है। अगर ये चीज होगी तो ये वाली चीज हो जाएगी। और इसमें क्या है? अगर ये वाला चीज होगा तो ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक साथ? नो सर, एक बार फिर से। इसमें ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया, बस ऑपोजिट है एक दूसरे का। अगर हमारा कोई नंबर एक्स दिया हो, रेशनल नंबर एक्स दिया हो जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और अगर p और q को प्राइम हो, क्या हो? को प्राइम। और अगर उसमें q जो है 2 के पावर m 5 के पावर n के टाइप का हो तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? उसका टर्मिनेट हो जाएगा। ये है 1.6। और 1.5 में अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो p और q को प्राइम होंगे एंड 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के टाइप का होगा। समझ गए? यस सर। ऊपर वाला ये वाला पोर्शन हो जाएगा अगर ये वाला चीज फॉलो करेगा तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। और अगर ये वाली कंडीशन जो कि यहाँ पर है ऑटोमेटिकली अपने फॉलो हो रही है तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। यानी कि ये होगा तो ये हो जाएगा और अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। यही है थ्योरम नंबर 1.5 और 1.6। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें एक्स कोई रेशनल नंबर हो जो कि p बाई क्यू के फॉर्म का हो बट q इस टाइप का ना हो तो वो तुम्हारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का हो जाएगा। बस यही है 1.7। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है ना? किसी को कोई और प्रॉब्लम? सर हाँ, थ्योरम 1.7 एक बार फिर से बताना। 1.7 में जो x है ना, यहाँ पर x क्या हो रहा था? अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा तो q इस टाइप का होगा। लेकिन मान लीजिए किसी का q जो है 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के टाइप का नहीं है। ठीक है ना? जैसे इसको देखिए 2/3, क्या ये इस टाइप का है? 3। क्या 3 को 2 के पावर m एंड 5 के पावर n में लिख सकते हैं? नो सर। बस तो ये वाला जो नंबर है ये तुम आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड क्या होगा? रिपीटिंग। अब अगर आपको डाउट है कि सर झूठ बोल रहे हैं या सच, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 3 से 2 को डिवाइड करके देख लीजिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, है ना? 6 टाइम 18, फिर 2, फिर ये 6 जाता जाएगा। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? 0.6 बार। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो देखिए नो सर, टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट भी हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है ना?
यही एग्जांपल इसका। तो यही था थ्योरम नंबर 1.7। बस आपको सिंपली याद होनी चाहिए ये सारी चीजें, बेसिक बेसिक दिमाग में सेट रहेंगी तो आप किसी भी टफ से टफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे अपने से, ठीक है ना। और थोड़ा सा भरोसा रखिएगा अपने ऊपर, आपने जो पढ़ा है वो सही है, बस ये सोच के चलिए, ठीक है ना। कुछ डाउट हो तो जरूर सॉल्व करिए, पूछ लीजिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगली क्लास में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेहनत करिए। टर्मिनेटिंग वाला भी बता दो। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। अगर ये देखिए ना, ये देखिए इनमें से ये वाला तीन प्लेस बाद खत्म हो गया, ये दो प्लेस बाद, लेकिन ये दोनों चलते जा रहे हैं तो ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दोनों टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। ओके सर, हाँ चलिए, थैंक्स।